हेलो नमस्कार, हिना रिएक्शन टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप अपनी जगह पे मस्त है, स्वस्थ है, मुझेंगे हैं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो गाना मैं लेके आई हूँ, उस सॉन्ग का नाम है, कुमायनी सॉन्ग है वो, लक्ष्मा सॉन्ग। और पता है करवा चौथ आने वाला है, तो बस इस गाने में भी वैसे वैसे डिमांडे हुई है। हम औरतें हैं, हम करवा चौथ की तैयारियां कर रही है, तो सारी भरे डिमांड्स तो होनी चाहिए। तो इस गाने को लेके मुझे बहुत अच्छे डिमांड की जरूरत पड़ गई है भाई। सच में नथनी तो चाहिए, नथनी नोज पिन चाहिए प्यारी सी, वो भी गोल्ड की। आजकल सोना पता है कितना भारी चल रहा है, पर फिर भी इस गाने में है डिमांडिंग। सॉन्ग बहुत प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है। भावना कंपाल, राहुल शर्मा जी, दीक्षा नोडियाल जी, ये गाने के सिंगर है। विजय प्रकाश सूरी है, और बड़ा प्यारा वाले सॉन्ग है, माइनी सॉन्ग है। तो गाना बहुत अच्छा है, डिमांडिंग है। डिमांडिंग मतलब हर लड़की हर औरत का डिमांड जो जरूरी होता है, वो चाहे कपड़ों को लेके हो, चाहे जेवर को लेके हो। और करवा चौथ स्पेशल आ रहा है, तब तो औरतों के तो वैसे ही भाव बढ़ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए वही। क्योंकि कुछ कुछ एक ओकेशंस होती हैं जो जिसमें औरतें अपने लिए सोचती हैं, और सोचना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचती, पर वो ये उतनी ही चादर पसारो कि जितना सा पूरा हो सके, है ना। पैर उतने ही पसारने चाहिए कि भाई चादर में आ सके। पता लगा बेचारे हम ज्यादा ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, और पति कर ना पाए इतना भी नहीं ना। आप अपने पतियों को सपोर्ट करें, और कोई बात नहीं यार, डिमांडिंग कभी कभी हो जाता है। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ लिए करेंगे करवा चौथ के लिए स्पेशली। तो लक्ष्मा सॉन्ग में मुझे यही देखने को मिला, मुझे अपनी ही याद आ गई कि करवा चौथ आने वाला है भाई, हमें भी डिमांडिंग बनना ही पड़ेगा, अपने अपने पतियों को बोलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो लाके दे। बस इस गाने में भी वैसा ही है। कोई कोई सॉन्ग ना जो पति लोग होंगे ना, वो बोलेंगे कि भाई मत दिखाया करो, मत बनाया करो ऐसे सॉन्ग, पर फिर भी अच्छा लगा मुझे गाना। मैं सोचती ऐसे पति कहाँ होते हैं भाई, अभी बोला है और थमा भी दी नथनी, ये क्लैपिंग। सही बात है, हमारे पतियों को 10 बार बोल के एक बार में वो छी जाती है। गाना बहुत प्यारा है, बहुत रोमांटिक है, और बहुत रोमांटिक भी है और केयरिंग भी है, और बोलते समझने वाले भी है एक दूसरे को। तो आप भी ऐसे ही हस्बैंड बनिए प्यारे प्यारे से, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।